हेलो दोस्तों, हैप्पी न्यू ईयर फ्रेंड्स। और आपको नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और नव वर्ष मंगलमय हो। फ्रेंड्स फ्रेंड्स, आज हम आपको गाजर का हलवा बता रहे हैं। फ्रेंड्स, बनाना बहुत ही आसान तरीके से। चलिए आइए इसे देखते हैं कैसे बनाएंगे। फ्रेंड्स फ्रेंड्स देखिए, मैंने गाजर के हलवे के लिए 2 केजी मैंने गाजर ले लिया है। फ्रेंड्स, इसका अच्छे से धुल के मैंने साफ कर लिया है और इसे ऐसे इसको छीलेंगे। फ्रेंड्स छीलने से फ्रेंड्स ये होता है ना, इसका जो मतलब अच्छे से सफाई हो जाती है, मतलब खिसखिसापन नहीं आएगा, तो इसलिए आप भी इसे ज़रूर छीलिएगा। तो फ्रेंड्स ऐसे साफ कर लेंगे, फिर से धुलेंगे इसे ऐसे छील के। तो मैं सारे छील के ऐसे धो लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ऐसा छील लिया है और इसे कद्दूकस कर लेंगे। तो इसे कद्दूकस करके मैं दिखा रही हूँ फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, गाजर के हलवा के लिए मैंने जो भी सामान ले रखा है वो देख लीजिए। फ्रेंड्स, तो मैंने ये कद्दूकस कर लिया है गाजर को। ये 2 केजी फ्रेंड्स गाजर है। और मैंने ये दूध लिया है, ये आधा लीटर दूध है फ्रेंड्स। और मैंने चीनी का ले रखा है, तो चीनी मैंने आधा केजी ले रखा है फ्रेंड्स। और ये मैंने खोया रखा है, ये 250 ग्राम है फ्रेंड्स। इसे मैंने कद्दूकस कर लिया है। और मैंने ये देसी घी लिया है। तो देसी घी फ्रेंड्स आप अपने हिसाब से डाल दीजिएगा, जो भी आपको मतलब जितना लगे आपको कि इतना यूज करना है उस हिसाब से आप यूज कर सकते हैं। और ड्राई फ्रूट है फ्रेंड्स ये, तो ये भी आप आपके पास जो भी है वो आप ड्राई फ्रूट यूज कर सकते हैं। और इलायची पाउडर है ये फ्रेंड्स, तो इलायची पाउडर का मैं इलायची को मैं पाउडर करके यूज करूँगी। फ्रेंड्स एक कढ़ाई में मैंने घी ले रखा है, घी डाल दिया मैंने इसमें, थोड़ा घी बाद में यूज करेंगे। फ्रेंड्स घी गर्म हो गया है, तो मैं इसमें ड्राई फ्रूट डाल रही हूँ। फ्रेंड्स ड्राई फ्रूट को थोड़ा रोस्ट कर लेंगे। हल्का सा ही फ्रेंड्स करेंगे। फ्रेंड्स मैं उसी कढ़ाई में डाल रही हूँ फ्रेंड्स। इसे 2 मिनट के लिए भून लेंगे घी में। फ्रेंड्स गाजर को अच्छे से भून लेंगे 2 मिनट के लिए। फिर फ्रेंड्स इसमें दूध डाल देंगे। इसे पकने देंगे फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स दूध अच्छे से बॉयल होने लगा है, पकने लगा इसमें दूध में ये। तो फ्रेंड्स इसे सुखाना है दूध के साथ, गाजर को अच्छे से पकाना है। फ्रेंड्स मैं इसमें चीनी डाल रही हूँ। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ। चीनी भी अच्छे से बॉयल होने लगा है, तो इसमें दोबारा चीनी मैं डाल देती हूँ। 2 बार में मैंने पूरा डाल दिया फ्रेंड्स। और अभी इसे और पकने देंगे फ्रेंड्स, ये सारा पानी सूखने तक इसे पकाएंगे। देखिए फ्रेंड्स ये पानी छोड़ने लगा है, तो ये जो पानी है इसे अच्छे से सुखाएंगे, बीच बीच में चलाते रहेंगे इसे। अभी इसमें थोड़ा पानी अभी और है, ये जो मैंने चीनी डाला था उसका पानी है फ्रेंड्स ये।
तो इसे भी सुखा लेंगे अच्छे से। देखिए फ्रेंड्स, इसमें पानी सूख गया है, थोड़ा सा भी है, हल्का सा, वैसे सूख ही गया है। तो अब इस स्टेज पे हम खोया डालेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आधा खोया को डाल रही हूँ, आधा बाद में डालूंगी। और फ्रेंड्स, मैंने इलायची पाउडर वो भी डाल देती हूँ। फ्रेंड्स, जो मैंने घी बचा के रखा था, अब इसे लास्ट पे इसे ही डाल देंगे। मस्त है। अभी थोड़ा सा इसमें ड्राई फ्रूट भी डालेंगे। फ्रेंड्स, गैस ऑफ करते हैं। फ्रेंड्स, इसे सर्व कर लेते हैं। गाजर का हलवा तैयार है। फ्रेंड्स, इसमें खोया मैं और ऊपर से डाल दे रही हूँ, जो बचा के रखा था। और फ्रेंड्स, ड्राई फ्रूट जो मैंने बचा के रखा था वो भी डालेंगे। फ्रेंड्स, गाजर का हलवा बन के रेडी है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, ये इसमें गाजर में बहुत विटामिन ए होते हैं, जो हमारे आँखों के सारी बीमारियों को दूर करते हैं फ्रेंड्स। तो इसे बनाइए और खाइए फ्रेंड्स। कैसा लगा आपको गाजर का हलवा, इसे ज़रूर बताइएगा। और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।